नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। भाई और बहन के बीच अटूट रिश्ते का अनोखा त्योहार रक्षाबंधन के आने पर अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। गांव से लेकर शहर तक राखी की दुकान सज गई है। स्वास्तिक, रुद्राक्ष, चांदी का नग लगी राखियां लोगों को पसंद आ रही हैं। बच्चों के लिए छोटा भीम, गणेशा, ट्रेंडी स्पाइडर दुकानों पर हैं। 5 रुपए से 250 रुपए की राखी बाजार में उपलब्ध है। हर बार की तरह इस बार भी लुम्बा राखी आम लोगों के लिए कौतूहल बनी हुई है। बाजार से सजे हैं राखी के दुकान, लेकिन ग्राहक नहीं मिलने पर दुकानदार परेशान है। दुकानदारों का कहना है कि कोरोना के कारण राखी के पर्व पर असर दिख रहा है। नए और आकर्षक डिजाइनों की राखियां उपलब्ध होने के कारण ग्राहक नदारत हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें उम्मीद है कि 2 दिन में राखियों की जमकर बिक्री होगी। आप देख रहे हैं आजमगढ़ से राकेश वर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मदन सोनकर। सही, राखी की बिक्री कैसा? क्या बिक्री इस समय? कोरोना का जो है माहौल चल रहा है, इसके लिए बहुत बिक्री डाउन चल रहा है। बाजार में भी ग्राहक नहीं? नहीं, बाजार में ग्राहक भी बहुत कम हो। आप नए में भी राखी हैं? नए में भी राखी है इस बार। कुछ एंटिक राखी है? कुछ एंटिक राखी है ना अपने पास से। अब कस्टमर नहीं है? कस्टमर एक भी नहीं। कितने दिन दुकान आपकी लगती है? दुकान तो करीब आज मान लीजिए 10-15 साल से लग रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी पवन गुप्ता। अच्छा, राखी का त्यौहार है, इसमें क्या क्या नया राखी आया है? देखिए, राखी का त्यौहार बस अब नाम का रह गया है। कारण ये है कि सारे पब्लिक में ये तो एक चीज़ का सबको दो साल से अनुभव हो चुका है कि लॉकडाउन के मामले से सब लोग परेशान हो चुका है। और हम लोग नई नई राखियाँ भी मंगवाए हैं, लेकिन जिस हिसाब से कस्टमर चलने चाहिए उस प्रकार कस्टमर चल नहीं रहे हैं। कहीं ना कहीं कोरोना का असर है त्यौहार? 95% तो कोरोना का असर है, लेकिन प्रभु का एक आशीर्वाद से कहिए, कुछ माता रानी का आशीर्वाद है कि आजमगढ़ में कुछ हल्का है ये मामला, जो कि धीरे धीरे सबके दिमाग में आएगा और चलेगा तो चलना होगा, चलेगा। 3-4 दिन का मामला है और ऊपर वाले जाने क्या होना है।